नहीं मांगनी चाहिए थी। वो काको आंटी और बाकी सब लोग हंस रहे थे आप पे। तो अच्छा है ना, मैंने सबको हंसाया। हर किसी के बस की बात नहीं है हंसाना, है ना बेटा? उदास क्यों हो रहा है? ऐसे उदास नहीं होते बेटा। वो काको आंटी कैसी है आपको पता तो है, उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है। अभी देखो आशा कितनी अच्छी बच्ची है, प्यारी है। अब तो तुमको घर में एक दोस्त भी मिल गई है ना? जा, उसके साथ खेलो। जा बेटा। जी पापा। लेके कहीं जंग में जा रहे हो? वो काको आंटी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा का मजाक बनाया। मेरे पापा मेरे हीरो हैं। मेंका आंटी ने उनको रुलाया था। अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अरे 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 अरे, शांत हो जाओ धनुषधारी ध्रुव, शांत हो जाओ। हर लड़ाई दिशुम दिशुम से नहीं जीती जाती। कुछ के लिए सिर्फ दिमाग ही काफी होता है। क्या मतलब? मतलब कि तुमको बुरा लगा ना जब तुम्हारे पापा पे मेनका आंटी हंसी, तो अब तुम देखना तुम्हारी वो काऊ आंटी कुछ ऐसा काम करेंगी जिससे पूरा रतलाम हंसेगा उन पे। सच्ची? एकदम सच्ची। ये प्रॉमिस है एक बहन का अपने भाई से। पर मैं तुम्हें भाई तो बुला सकती हूँ ना? हाँ हाँ, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बहन हो। बस अब तुम देखो ब्रदर, मैं तुम्हारी वो काऊ आंटी के साथ क्या करती हूँ। Today, you truly made my day. मुझे तो अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताना है और सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस भी तो चेंज करना है। So much work to do, oh my God. I'll see you later. Bye. ये फोन कर रहा है यार। ये क्या क्या वैभव तुमने? इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी बेटा? जल्दबाजी? ये सेम चीज आपने श्रेया को क्यों नहीं बोला? श्रेया ने जो किया सो किया, लेकिन तू कैसे? शादी कोई खेल नहीं है वैभव। ईशा के साथ खुश रह पाएगा तू? क्यों नहीं रह पाएगा सविता जी? अरे ईशा से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की चिराग लेके भी ढूंढोगे तो वैभव को नहीं मिलेगी। और सविता जी, इतने साल मैंने आपको अपना समझकर इतनी हेल्प की, पर आज आप मेरी ही बेटी के अगेंस्ट इतना जहर उगल रही है? आप गलत समझ रही है मेनका जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मेरा बेटा बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रहा है, मैं बस उसके भलाई के लिए बोल रही हूँ। भला? एक मिनट, क्या भला किया आज तक आपने वैभव का? पुअर बेबी, बस आज तक आपने उससे झूठ बोला है, उसे मैनिपुलेट किया है। 7 साल पहले जो हुआ वो तो सब जानते हैं। माय पुअर वैभव, 7 साल से उस शौक से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, पर आज आज मेरी ईशा जब वैभव की जिंदगी में थोड़ी खुशियां लेके आई है, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है सविता जी? माय गॉड, कैसी माँ है आप? सो लेट्स गेट रेडी। पोतो जी भर के मेकअप पोतो, लेकिन आप लगोगे तो कुछ और। रतलाम में आपको वर्ल्ड फेमस ना कर दिया ना, तो मैं भी श्री हूँ। yeah, yeah, yeah.
God, my darling is looking so beautiful, gorgeous. Mwah. Thanks, Mom. ईशा, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो. Not fair. वैसे मॉम, look at you, you're looking so pretty. Don't call me mom. मैं तुम्हारी मॉम बिल्कुल नहीं लग रही हूँ. In fact, मैं तुम्हारी बड़ी बहन लग रही हूँ ना? Yeah, right. I mean, अगर थोड़ा वेट मेंटेन कर लेते तो शायद you could have passed also. Girl. अरे मॉम, ईशा, न्यूज़पेपर के लोग आ गए हैं. Coming. Come on, ईशा, show time. बाहर जाते हैं और कयामत ढाते हैं, कयामत. Let's go. Let's go. Let's go. सही कहा आंटी, कयामत तो ढाएंगे आप दोनों. अब मजा आएगा. आपको तो पता नहीं है अब कितनी सुंदर लग रही हो. आप नहीं देख पा रही पर दुनिया जरूर देखेगी. अरे अरे अरे, ओ भाई, इतनी सारी लाइटिंग क्यों कर रहे हो यार? वो इतना सारा मेकअप पोत के आएंगे ना, 440 वॉट का बल्ब ऐसे ही लग जाएंगे. मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मतलब कि वो कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है. पर माया, तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है. तुम तो मेरी 840 वॉट का बल्ब हो. थैंक यू रोहित. पर अब तक ये लोग आए क्यों नहीं है? कहाँ रह गए ये लोग? मेकअप में टाइम लगा रहे होंगे. वी आर योर डार्लिंग. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.